दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं मोहम्मद इजाबुल जी। इनको लगभग 5 सालों से दिक्कत थी पेट की। इनको शुरुआत कैसे हुई वो बताएंगे, और क्या क्या तकलीफ होती थी, कहाँ कहाँ दवाई करवाई और कितने दिन इन्होंने दवाई खाया, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको जो प्रॉब्लम है कितने साल पहले शुरू हुई थी, कि कौन सा ईयर में? हमको लगभग 2015 में स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले हमको जॉन्डिस हुआ, जॉन्डिस के बाद टाइफाइड आया। टाइफाइड आने के बाद हमको बार बार टाइफाइड ही होता था। लगभग इंजेक्शन में गांव में बहुत करवाया, करवाते करवाते अभी तक मेरा तब से मेरा पेट का कंडीशन ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि ये बताए कि इनको जॉन्डिस हो गया था, यानी पीलिया हो गया था, उसके बाद इनको टाइफाइड हो गया। टाइफाइड इनको कई बार होने लगता था, मतलब साल में एक बार, साल में एक दो बार इनको टाइफाइड हो जाता था। टाइफाइड की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो टाइफाइड हमारे छोटी आंत के अंदर इन्फेक्शन पैदा करता है। ठीक है, अगर साल में दो बार टाइफाइड हो गया तो आपको आंतों में इरिटेशन होना आपको स्वाभाविक है, और आपकी आंतों में इन्फेक्शन होना ही होना है। तो जब आपको दिक्कत हुआ तो क्या क्या प्रॉब्लम होता था, मतलब आपको शरीर में क्या क्या चीज़ होती थी? शरीर में, सर में दर्द, शरीर में सुस्तीपन, शरीर में भारीपन, और खाना खाने का मन नहीं करता, मन करता सुसाइड कर लूँ या कुछ कर लूँ, यही सब मन में आता था ज़्यादा मेरा। मैं बहुत दिन से परेशान हूँ इसके लिए, मेरा हंसता खेलता जिंदगी इसी में कटता था। कभी मेरा मन में खुशी का चीज़ ही नहीं था कि मैं किस तरह से खुशी का इजहार करूँ, इसी चीज़ नहीं था। आदमी खुश नहीं रहता है, पूरा दिन बेचैन रहते थे, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, अकेला ही रहने का मन करता है। ये बीमारी जो है इतनी खतरनाक होती है कि इसमें अगर दवाई पे चलने लगे, गलती से आप किसी साइकेट्रिक के पास पहुंच गए या एलोपैथी की दवाई में घुस गए, तो आपको अल्सर, ब्लड के अंदर एसिड और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके अलावा आपको और क्या दिक्कत होती थी, मतलब टॉयलेट में टॉयलेट करने में दिक्कत होता था, टॉयलेट में चिपचिपापन, निकास आता था टॉयलेट में, यही सब दिक्कत था हमको। और खाना बराबर नहीं खा पाता, जब तक मैं दवा खाता था तब तक खाना खा पाता था, मतलब कि डॉक्टर के पास जाता था, दवाई देता था, दवाई लेके बस खाना खाने, तो भी पेट का दिक्कत मेरा खत्म नहीं होता था, यही सब दिक्कत। तो भूख भी बहुत कम लगता था, कम लगता था। अभी आपको भूख कैसा लगता है? भूख लगता है, भूख लगता है। खाना भी आप खा रहे हैं? खा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, इनको भूख भी लगता है। अब ये थोड़ा हंसता खेलता। अब इनका जो दिमाग है थोड़ा, ये अब खुश रहने लगे हैं। ठीक है, पहले बहुत बेचैन रहते थे, लेकिन इनकी खासियत ये है कि इन्होंने जब से ट्रीटमेंट शुरुआत किया, ट्रीटमेंट लेने का, लगातार इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, ठीक है, और पॉजिटिव रहे। बीच बीच में घबराते नहीं है, क्योंकि होता क्या है, जैसे हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो आंतों के अंदर मूवमेंट बढ़ता है। कई बार हमें, अगर ज़्यादा आपको जाना पड़ता है टॉयलेट के लिए, तो हमें उसे रोकना भी पड़ता है। ठीक है, तो अगर कम हो रहा है तो हम जैसे आप मूवमेंट बढ़ाएंगे आंतों की, तो आपको टॉयलेट थोड़ा ज़्यादा जाना पड़ेगा, तो आप घबरा जाएंगे। ठीक है, तो आपके आंतों के मूवमेंट को बढ़ाना, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना, जो इन्फेक्शन है, सूजन है, उसको ठीक करना, वही सारी चीज़ें। अगर हालांकि इनकी नाभि खिसकी नहीं थी ज़्यादा, ठीक है, और अगर टाइफाइड की बीमारी की वजह से आया हुआ IBS ज़्यादा पुराना हो गया तो भी आपकी नाभि खिसकने का चांस रहता है, लेकिन इनका जो नाभि है ज़्यादा खिसका हुआ नहीं था, इनके आंतों में सूजन और इन्फेक्शन इतना ही था। तो अभी मैं इनको चेक किया तो ये अभी सामने से, मतलब पेशेंट जब बोलने लग जाए कि अब मुझे लगता है मैं बिल्कुल ठीक हो गया, तो वो हमारे लिए भी खुशी की बात होती है। दोबारा जब मैंने इनको चेक किया तो इनके जो पेट में जो पेन पॉइंट होता है हमारा न्यूरोथेरेपी का, वो चेक करके हमें पता चल जाता है कि सामने वाले पेशेंट को प्रॉब्लम है या नहीं है। तो आज मैंने इनको चेक किया तो इनके पेट में जो पेन पॉइंट होता है वहाँ पे पेन लगभग ना के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अभी ये ठीक हो गए हैं, ठीक है, बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हैं। लेकिन इतने साल तक दवाई खाने के बाद, इलाज इधर उधर करवाने के बाद, आदमी को जल्दी विश्वास नहीं होता कि मैं इतना स्वस्थ कैसे हो गया। ठीक है, अभी भी इनको माइंड में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा कि मैं यहाँ से जाऊँगा, ट्रीटमेंट छोड़ दूंगा, उसके बाद मुझे दिक्कत हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक है,
तो जब भी ये छोड़ेंगे उससे पहले मैं उनको एक दो पॉइंट्स ऐसा बता दूंगा, डाइट बता दूंगा, कुछ योगा बता दूंगा, वो इसका फॉलो करेंगे और हमेशा के लिए ज़िंदगी इनकी खुशहाल हो जाएगी। दूसरी बात, अभी आपको मतलब कैसा लग रहा है? कि ठीक लग रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, दिक्कत होती है। और आपने इलाज यहाँ पे कहाँ कहाँ करवाया है वो बताइए। इलाज तो मैं सूरत में गुजरात हॉस्पिटल गया था। अच्छा। यहाँ तो छोटा मोटा डॉक्टर को दिखाते रहता था। और गांव में जो हमारे हम बिहार के हैं, कटिहार जिले के, तो हम पूर्णिया में गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास लगभग 10 महीने इलाज करवाए हैं। इंडोस्कोपी करवाए, इंडोस्कोपी करवाने के बाद 2 इंडोस्कोपी करवाए, फिर भी वहाँ तो कुछ रिलीफ मिला, लेकिन फिर भी जो खाने पीने में थोड़ा बहुत हम लोग का दिक्कत हो जाता था, फिर वो और प्रॉब्लम बढ़ जाता था। हाँ, मैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट को, फिर मेरे कटिहार में जो डॉक्टर हैं उसको भी मैं बहुत दिखवाया टाइफाइड के लिए, वो इंजेक्शन लिख देते थे 15-16-35-36 इंजेक्शन में लगवाते रहता था वहाँ गाँव। बताइए कितना पैसा बर्बाद कर दिया इलाज करवाने में, ट्रीटमेंट इधर उधर करवाने में। मैं बहुत पैसा खर्चा किया, बस 3-4 लाख रुपये मेरा खर्चा हो गया टाइफाइड में और पेट की वजह से। 3-4 लाख रुपया कैसे खर्चा कर दिया और कोई रिजल्ट नहीं मिला। जब यहाँ पर आए हैं तो हमने जब इनका पेट चेक किया पूरा, बहुत ज़बरदस्त पेन हो रहा था, लेकिन आज मैंने चेक किया है तो इनको जब पूछा कि भाई पेन हो रहा है, इन्होंने बोला नहीं। तो अगर ये बोलने लगे कि नहीं तो उसमें हमें भी खुशी मिलती है कि भैया हमने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है कि इनका जो है पेट है वो सही किया है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप दवाई कई सालों से खा रहे हैं, तकलीफ में हैं, तो न्यूरोथेरेपी में दिखाओ, हमारे पास आके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर नहीं आ सकते इतनी दूर तो भी अपने किसी भी शहर में जाकर अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट जो पेट के मामले में काफ़ी एक्सपर्ट हो उसको दिखा लो, आप ठीक हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।